Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the third session of complex analysis. आज के लेक्चर्स में हम फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को डिफाइन करेंगे और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे. जैसे कि स्टार्ट्स के टू लेक्चर्स में हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो मोस्टली प्रॉपर्टीज हैं वो रियल नंबर्स की जनरलाइजेशन हैं. जैसे आपने अर्थमेटिक्स प्रॉपर्टी देखी, ठीक. उसके बाद हमने सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइन किया, देन सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया. फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमने टू फॉर्म में स्टडी किया, इसको कार्टेशियन फॉर्म एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म में और इसकी पोलर फॉर्म आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा फॉर्म में. यूजली जब हम रियल में स्टडी करते हैं तो हम रियल नंबर्स का सेट डिफाइन कर लेते हैं, तो देन हम स्टडी को प्रिसाइज करते हैं, उसके सबसेट्स लेकर उन पर रिलेशंस डिफाइन करते हैं और फिर रिलेशन से हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं. तो सेम पैटर्न यहाँ हम फॉलो करेंगे कि हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन कर लिया, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट कर ली, तो अब नेक्स्ट हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को डिफाइन करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे. तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स होगा. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फंक्शंस हम डिफाइन करेंगे और देन उनकी प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट करेंगे. प्रीवियस लेक्चर्स के रिव्यू पे बात करें तो जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म स्टडी की थी प्रीवियस लेक्चर में, पोलर फॉर्म की एप्लीकेशन डी मॉर्गन थ्योरम देखी और उसकी एप्लीकेशन में फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर और रूट्स फाइंड करना सीखे. एंड देन हमने रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कंपैरिजन पे कुछ रिजल्ट्स देखे थे. आज के लेक्चर्स के जो आउटलाइन है इसमें हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, देन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस की फर्दर टाइप्स में जिसमें कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. बिकॉज कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. एंड देन सेम आइडिया पहले कार्टेशियन फॉर्म में स्टडी करेंगे और फिर सेम आइडिया को हम पोलर फॉर्म में शिफ्ट करेंगे. देन हम बात करेंगे कुछ पीरियडिसिटी की, रियल पीरियडिक फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स पीरियडिक फंक्शंस का कंपैरिजन देखेंगे और ये कंपैरिजन जस्ट अप टू दिस लेवल हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए डिस्कस करेंगे. ये हमारा आज के लेक्चर्स की आउटलाइन है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं. तो फंक्शंस डिफाइन करने से पहले हम रियल में देखते हैं कि हम फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं, ताकि उसी आइडिया पे हम कॉम्प्लेक्स में स्टार्ट लें. तो रियल में हम जब भी टू सेट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए एक सेट अगर हम ले लेते हैं से 1 2 3 और बी एक सेट लेते हैं से ए बी एंड सी, तो आप जानते हैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम डिफाइन कर लेते हैं विच इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी टाइप का सच दैट ए इज फ्रॉम ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, राइट. अब इस लॉजिक पे अगर हम इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाना शुरू करें तो ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स जो आएंगे हमारे पास वो आएंगे 1A 1B 1C, सिमिलरली 2A 2B एंड 2C और लास्टली 3A 3B और 3C. अब ये सेट ऑफ ऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम A टू B. अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. ये बेसिक रूल्स हम जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का. यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट क्या होते हैं, तो आप डिफरेंट सबसेट्स ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एक सबसेट मैं एफ वन लेता हूँ, तो एफ वन लेट अस सपोज 1A 2B एंड 3C. सिमिलरली एक और सबसेट में एफ टू लेता हूँ से 1A 1B, ये एक सबसेट ले लिया. इसी तरह आप इसके डिफरेंट सबसेट्स
डिफाइन कर सकते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट्स होते हैं वो बाइनरी रिलेशंस कहलाते हैं फ्रॉम ए टू बी। तो हम डिफरेंट बाइनरी रिलेशंस डिफाइन करते हैं। अब इन बाइनरी रिलेशंस में से अगर हम एफ वन रिलेशंस की डायग्राम में फॉर्म देखें तो से ये ए सेट था हमारे पास 1 2 3, ये हमारे पास बी सेट है ए बी सी। तो एफ वन में हमने 1 को लिंक किया है ए के साथ, 2 रिलेटेड टू बी है, 3 रिलेटेड टू सी है। सिमिलरली अब इस रिलेशंस की डोमेन हम एलिमेंट्री लेवल्स पे कैलकुलेट करना सीख चुके होते हैं, जस्ट हम रिकॉल करते हैं कि इस रिलेशंस की डोमेन आ गई 1 2 3, राइट। और इस रिलेशंस की अगर हम रेंज डिफाइन करें तो रेंज ऑफ दिस रिलेशन इज ए बी एंड सी, ये इस रिलेशंस की डोमेन और रेंज आ गई। सिमिलरली एफ टू रिलेशंस की डोमेन एलिमेंट 1 है और एफ टू रिलेशन की जो रेंज है वो ए और बी है। यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट करें वो ये है कि रिलेशंस एफ वन में ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट के ऑल एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं, जबकि एफ टू रिलेशंस के अंदर ए के एलिमेंट्स 1 2 3 हैं और बी के एलिमेंट्स ए बी सी हैं। तो जस्ट हमने जो रिलेशन सेलेक्ट किया है हम 1 को ए से लिंक कर रहे हैं और 1 को बी से लिंक कर रहे हैं। तो नोट करें कि एफ वन की डोमेन जो है सेट ए के इक्वल है, बट एफ टू रिलेशंस की अगर आप डोमेन देखें तो वो सेट ए के इक्वल नहीं है। अब इस प्रॉपर्टी को जहन में रख के हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज ए रूल दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट इन ए वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन बी। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में टू वर्ड्स इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन इज ए रिलेशन, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज ए रूल दैट असाइंस ईच एलिमेंट इन ए, यानी ए के हर एलिमेंट को अगर बी के हम वन एंड ओनली वन एलिमेंट से लिंक करें तो ऐसे रिलेशंस को हम फंक्शंस कहते हैं। ए डोमेन ऑफ दिस रिलेशन है एंड रेंज जो है वो सब सेट ऑफ बी होती है। तो रेंज जरूरी नहीं किसी रिलेशन की रेंज सेकंड कंप्लीट सेट के इक्वल हो, बट अगर रिलेशन फंक्शन है तो उसकी डोमेन मस्ट फर्स्ट सेट के इक्वल होती है और रेंज ऑलवेज सब सेट ऑफ सेकंड सेट होता है। फर्दर जब हम क्लासीफाई करते हैं फंक्शंस को तो मेनली हम इनको 1 1 और ऑन टू फंक्शन में और बाइजेक्टिव फंक्शन में डिवाइड करते हैं। इन पे बात इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी लेक्चर्स में करेंगे जहाँ हमें 1 1 फंक्शंस की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे जो जैसे हमने डायग्राम में शो किया है कि ए सेट का एक एलिमेंट स्मॉल ए मैप होके बी सेट के एक एलिमेंट स्मॉल बी के साथ लिंक हो रहा है एंड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए के इक्वल है, बी इज द इमेज ऑफ ए अंडर द फंक्शन एफ। तो टर्मिनोलॉजी में समटाइम्स हम ए को प्री इमेज कह देते हैं और बी को इमेज कह देते हैं। तो रिलेशंस तो हम डिफरेंट डिफाइन कर सकते हैं क्रॉस बी पे, बट ऑल रिलेशन ज़रूरी नहीं फंक्शंस हों, कुछ रिलेशंस उसमें से फंक्शंस होते हैं कुछ रिलेशंस फंक्शंस नहीं होते। तो यहाँ मेनली फोकस करेंगे उन रिलेशंस को जो फंक्शंस बनाते हैं, यानी जो फंक्शंस की बेसिक डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मीन्स कि ईच एलिमेंट इन ए इज लिंक टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन बी। टेक्निकली फंक्शंस को हमने डिक्लेयर किया, समटाइम्स फंक्शंस को एक रूल हम कह रहे हैं, समटाइम रफली स्पीकिंग हम इसको एक मशीन कह लेते हैं कि फंक्शन एक मशीन होती है जिसमें इनपुट वैल्यूज आप दें तो आपको आउटपुट मिलते हैं। जैसे रियल के केस में देखें हम मेनली इंटरेस्टेड होते हैं फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टिगेट करने में, इस रूल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जैसे पहली एग्जांपल रियल नंबर सिस्टम से देखें तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, इस फंक्शन की जब हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे तो किसी भी फंक्शंस की डोमेन फाइंड करते वक्त आपने ये ख्याल रखना होता है
कि डोमेन में कोई ऐसा पॉइंट ना पुट करें जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड हो। ऐसा कोई पॉइंट डोमेन का पॉइंट नहीं होगा जिस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड हो। तो फॉर एग्जांपल इस फंक्शन में आप कोई भी पॉइंट पुट करके देख लें तो ये फंक्शन डिफाइंड होता है। लेट अस सपोज आप जीरो पुट करते हैं तो आंसर वन आ जाएगा। आप कोई पॉजिटिव नंबर से वन पुट करते हैं आंसर टू आ जाएगा। नेगेटिव वन पुट करें तो आंसर फिर भी टू आएगा। मीन्स हम डिफरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स पुट करके देख रहे हैं तो ये फंक्शंस एवरीवेयर डिफाइंड है। सो इस फंक्शंस की अगर हम डोमेन लिखें तो इस फंक्शंस की जो डोमेन बनेगी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। एंड व्हाट अबाउट रेंज ऑफ दिस फंक्शन? रेंज बेसिकली इमेजेस का सेट होता है। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए आप नोट करें कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इमेज इसका नेगेटिव नहीं हो सकता। इस रिलेशंस के अंदर एक्स का इमेज नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये रिलेशन बेसिकली रियल नंबर्स को पॉजिटिव रियल नंबर्स पे मैप कर रहा है। और इनफैक्ट नेक्स्ट उसमें देखें तो वो पॉजिटिव रियल नंबर बिकॉज वन में एक्स स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, वन में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, तो इमेज वन से लेस नहीं हो सकता। सो इसकी मिनिमम वैल्यू आप जीरो पे देखें वन होती है। अदरवाइज आप कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करें या नेगेटिव नंबर पुट करें, इसकी वैल्यू वन से ग्रेटर आएगी। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज वन टू इन्फिनिटी, राइट? ऐसे फंक्शन जिनकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर हो और को डोमेन या रेंज सेट ऑफ रियल नंबर हो, ऐसे फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाते हैं। तो रियल वैल्यूड फंक्शंस आर फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर्स। इस तरह के बेशुमार फंक्शंस आपने स्टडी किए। ओके, पॉइंट नोट यहाँ पे ये करने वाला है कि जब मैंने इस फंक्शंस की डोमेन फाइंड की तो क्वेश्चन में कोई एक्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई। तो नॉर्मली जब क्वेश्चन में एक्स पे रिस्ट्रिक्शन ना दी जाए तो इसकी डोमेन जो होती है उसको हम नेचुरल डोमेन कहते हैं। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर इस फंक्शंस की नेचुरल डोमेन है। सिमिलरली अगर हम एक और फंक्शंस इसमें कंसीडर करें, से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन ओवर एक्स माइनस फाइव, तो आप नोट करें कि जब इसमें मैं एक्स को फाइव पुट करूंगा ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फाइव। तो ये इस फंक्शंस की नेचुरल डोमेन है। समटाइम्स रिलेशंस इस फॉर्मेट में दिए होते हैं, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विद कंडीशन एक्स लाइज बिटवीन माइनस फाइव एंड फाइव। तो इस केस में अब आपको डोमेन मेंशन कर दी गई है कि एक्स लाई कर रहा है बिटवीन माइनस फाइव एंड प्लस फाइव, तो आप जो इमेज देखने में इंटरेस्टेड हैं वो जस्ट माइनस फाइव टू प्लस फाइव सिर्फ इसका इमेज देख रहे हैं। तो ये डोमेन जो है ये इसकी इनफैक्ट नेचुरल डोमेन नहीं है। नेचुरल डोमेन तो इस फंक्शन की आप देखें तो वो सेट ऑफ आर रियल नंबर बनती है, बट ऐसी डोमेन कहलाती है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो यूजली जब हमें डोमेन फाइंड करने का कहा जाता है तो हम फंक्शंस की नेचुरल डोमेन्स फाइंड करते हैं। नेक्स्ट, रियल फंक्शंस की प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस आप जानते हैं कि रियल फंक्शंस की बेशुमार प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपने स्टडी की हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें एक दो एक्सप्लेन करूं तो हम इंटरेस्टेड हैं कि इसे एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करने में, गिवन दैट रेडियस आर। तो ये जो मशीन बनती है हमारे पास, फंक्शन बनता है ये पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल का है। तो अब इसको आप इस तरह एज्यूम करें कि ये एरिया का फार्मूला है, मशीन है, फंक्शन है, यहाँ से इनपुट ये सेट ऑफ रियल नंबर ले रहा है और आउटपुट जो आपको दे रहा है ये पाई आर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल जब भी हम फाइंड करेंगे हम इस रूल से फाइंड करेंगे। सिमिलरली जब हम किसी सफियर का वॉल्यूम फाइंड करना चाहें, से इस सफियर का रेडियस आर है तो वॉल्यूम इसका 4 ओवर 3 पाई आर क्यूब। अब अगेन आप देखें इनपुट हम रेडियस लें तो आउटपुट हमें वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मिल जाता है। तो
डिफरेंट स्फेरिकल शेल्स के वॉल्यूम फाइंड करना, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना, इसी तरह मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में अगर सपोज हमारे पास टू वेरिएबल का एक फंक्शन गिवन हो तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस फंक्शन से फाइंड कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड विद वाई। इसके अलावा बेशुमार एप्लीकेशंस फंक्शंस की हैं, ये एलिमेंट्री लेवल की कुछ एप्लीकेशंस हमने इसकी डिस्कस की। नेक्स्ट हम सिमिलर पैटर्न पे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस डिफाइन करेंगे एंड देन इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन यूज कहाँ होते हैं। तो ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन इज ए फंक्शन एफ हुज डोमेन एंड रेंज आर सबसेट ऑफ द सेट सी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह रियल वैल्यूड फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड होते हैं, इसी तरह कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइंड होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि डोमेन आपके पास सेट ऑफ होल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, समटाइम्स कोई सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाएगा और उस सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से हम सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर या उसके किसी सबसेट तक एक रिलेशन डिफाइन करेंगे और इसी तरह हम उसमें फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टिगेट करेंगे। नॉर्मली कॉम्प्लेक्स में जिस तरह रियल में फंक्शंस की जनरल नोटेशन हम लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म लेते हैं, राइट। इसमें हम x को प्री इमेज और y को इमेज कह रहे होते हैं। सेम केस में कॉम्प्लेक्स में फंक्शन की नोटेशन w इज इक्वल टू एफ ऑफ z लेते हैं हम। इसमें z प्री इमेज है और y z प्री इमेज है और w जो है ये इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रफली स्पीकिंग अगर ये सेट है तो ये रिलेशन भी ऑलमोस्ट उसी टाइप का बन रहा है कि z goes to w which is इमेज ऑफ z अंडर द फंक्शन f। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस की हम बात करें तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस आयोटा जेड। तो ये फंक्शन देख लें कि इनपुट ले रहा है जेड और आउटपुट जो डिस्प्ले कर रहा है वो जेड स्क्वायर माइनस आयोटा जेड है। इसके अलावा बेशुमार टाइप के कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नेक्स्ट जो फंक्शन देखेंगे वो से एफ ऑफ जेड हम डिफाइन कर लेते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, राइट। और एफ ऑफ जेड हम डिफाइन कर लेते हैं विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड आर जेड कॉन्जुगेट, और एफ ऑफ जेड डिफाइन कर सकते हैं हम जेड कॉन्जुगेट। तो इस टाइप्स के सारे रिलेशन जो हैं ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस होते हैं। इनफैक्ट हर रियल वैल्यूड फंक्शन भी जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस होता है, बिकॉज सेट ऑफ रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस वजह से जो हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं वो स्पेशल केस बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस के। सो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टिगेट करें तो जो रियल वैल्यूड फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट करें तो जो एप्लीकेशन हमने रियल नंबर सिस्टम की या रियल फंक्शंस की देखी हैं वो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की भी ट्रीट की जा सकती हैं एज ए स्पेशल केस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में हम फाइंड करना सीखेंगे कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन दिया जाए और आपने डोमेन के किसी पॉइंट पे उस फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी। अब रियल के में इसके पैरेलल जो हम कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं वो ये है कि फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन है से हम इंटरेस्टेड है एफ ऑफ माइनस वन क्या होगा। तो हम जस्ट इनपुट इस मशीन में माइनस वन इनपुट है और आउटपुट अगर हम देखना चाहें तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन विच इज़ वन प्लस वन इक्वल टू टू। सो इमेज ऑफ माइनस वन अंडर दिस एफ इज टू। सेम केस में इस एग्जांपल में हमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस दिए गए और इनपुट पॉइंट्स बताए गए तो हम देखेंगे कि इनकी आउटपुट क्या आती है। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जांपल। एफ ऑफ जेड बिकॉज गिवन है एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स
3x plus y, और पॉइंट जिस पे हमने फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है 4 प्लस आयोटा। अब नोट करें कि ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जो है ये इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, और पॉइंट भी जो गिवन है वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, एक्स वाई फॉर्म में गिवन है। सो आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर से एक्स फाइंड आउट करें विच इज़ 4, वाई फाइंड आउट करें विच इज़ 1, नो एफ ऑफ जेड फाइंड करें, तो आप इस रिलेशन में एक्स को 4 पुट करें, वाई को 1 पुट करें, माइनस एक्स को 4 पुट करें इनटू प्लस आयोटा टाइम्स 3 इनटू एक्स विच इज 4 प्लस वाई इज 1। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड दिस गिव्स अस माइनस 12 प्लस 12 एंड 1 13 आयोटा। सो इमेज ऑफ 4 प्लस आयोटा अंडर एफ इज माइनस 12 प्लस 13 आयोटा। तो यहाँ पे इस पार्ट में मेजर ऑब्जर्वेशन ये है कि इनपुट जो है आपको एक कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है और फंक्शंस भी कार्टेशियन फॉर्म में एक्सप्रेस है, तो हमने इजीली इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया। अब सेकंड एग्जांपल जो है वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट है बिकॉज फंक्शंस आपको आर थीटा में गिवन है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, और इनपुट पॉइंट जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। तो अब इसको हम देखते हैं कि अगर इनपुट कार्टेशियन फॉर्म में हो, फंक्शंस पोलर फॉर्म में हो, या अदर वे अराउंड हो कि इनपुट आपको पोलर फॉर्म में दी जाए और फंक्शन कार्टेशियन फॉर्म में दिया जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो एफ ऑफ जेड इज आर प्लस आयोटा कॉस स्क्वायर थीटा, एफ ऑफ जेड इज आर प्लस आयोटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड पॉइंट इज जेड इक्वल टू माइनस टू आयोटा। ओके, नोट करें कि अब यहां पे दो ऑप्शंस है हमारे पास, या तो इस फंक्शंस को आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें ताकि डायरेक्ट ये पॉइंट यूज हो जाए जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया, या इनपुट को पोलर फॉर्म में ले जाएं ताकि ये इस फंक्शन में डायरेक्ट यूज हो जाए। दोनों का सेम फॉर्म में होना जरूरी है ताकि इसकी वैल्यू फाइंड की जा सके, इसका इमेज हम फाइंड कर सके। तो बिकॉज फंक्शन एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में डिफाइंड है, सो लेट अस ट्राई कि हम जेड इक्वल टू माइनस टू आयोटा की पोलर फॉर्म निकाल लें। रिकॉल करें कि जब भी पोलर फॉर्म निकालें आप नोट करें कि वो जीरो तो नहीं है, बिकॉज जीरो नंबर की पोलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज उसका आर्गूमेंट डिफाइंड नहीं होता। तो हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म में लिखें विच इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस टू टाइम्स आयोटा, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू माइनस टू। अब ये एक्स वाई फाइंड हो गए, अब इन एक्स वाई से हम पोलर फॉर्म ऑफ जेड फाइंड करते हैं, तो उसके लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड चाहिए, मॉडुलस ऑफ जेड चाहिए विच इज अंडर रूट जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस टू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू टू, और ये वैल्यू आर के इक्वल है। सेम वे में हम अगर थीटा फाइंड आउट करें तो ये टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई जीरो, और आर्गूमेंट फाइंड करते वक्त मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर लें तो बेटर रहता कि एग्जैक्ट क्वाड्रेंट का पता चले। तो x हमारे पास 0 है, y माइनस टू है, तो आप देखें ये पॉइंट ऑलमोस्ट x 0 और y माइनस टू, ये पॉइंट इमेजिनरी एक्सिस पे x 0 और y माइनस टू आ गया। सो इसका आर्गूमेंट आप नोट करें, अगर मैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट ले लूं तो इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट बनता है पाई बाई टू, और बिकॉज ये क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं सो इट इज नेगेटिव। देयरफॉर जेड की पोलर रिप्रेजेंटेशन से पोलर कोऑर्डिनेट जेड के बन जाते हैं
r is 2 and angle is minus pi by 2. अब इससे हम फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. फंक्शंस की वैल्यू इससे देखें तो f ऑफ z आ जाएगा r की वैल्यू 2 प्लस आयोटा टाइम cos स्क्वायर ऑफ माइनस पाई बाय 2. अब यहाँ पे ये बेसिक प्रॉपर्टी कि cos स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा होल स्क्वायर. तो दिस गिव्स अस 2 प्लस आयोटा cos ऑफ माइनस पाई बाय 2 होल स्क्वायर. अब cos इवन फंक्शन होता है, इस वजह से cos ऑफ माइनस पाई बाय 2 का आंसर सेम आएगा जो cos पाई बाय 2 का होता है. तो cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, आयोटा इंटू 0, दिस इज इक्वल टू 2. सो f ऑफ z इज इक्वल टू 2. तो ये प्रोसेस था. इस एग्जांपल में मेजर चीज़ जो थी वो ये थी कि फंक्शंस और इनपुट सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में होने चाहिए, या दोनों कार्टेशियन फॉर्म में होने चाहिए या दोनों पोलर फॉर्म में. अगर एक कार्टेशियन फॉर्म में और एक पोलर फॉर्म में आपको गिवन हो तो आप पहले दोनों को सेम सिस्टम में शिफ्ट करें. अच्छा, जिस तरह हमने रियल वैल्यूड फंक्शंस की डोमेन फाइंड करना सीखी, इसी तरह हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस की डोमेन फाइंड करना सीखते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन दिया जाए तो उसकी नेचुरल डोमेन कैसे फाइंड की जाएगी. फर्स्ट पार्ट में f ऑफ z डिफाइन किया गया है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z माइनस आयोटा z स्क्वायर. तो सबसे पहले नोट करें कि अगर हम इनपुट कोई भी नंबर दें, हर इनपुट पॉइंट का स्क्वायर भी एग्जिस्ट करेगा, हर इनपुट पॉइंट z का रियल पार्ट भी एग्जिस्ट करेगा, लिहाजा इसमें कोई इशू नहीं है कि आप हर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एज ए इनपुट रख सकते हैं. सो फर्स्ट पार्ट जो है इसकी डोमेन बाय डेफिनेशन सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गई. जिस तरह रियल में डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर थी नेचुरल डोमेन, तो कॉम्प्लेक्स में इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गई. सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f is the set C of all complex numbers. What about second function? Second function जरा critical है. ये almost उसी type का function है जैसे f of x equal to 1 over x minus 5 हमने study किया था कि इस function की domain set of r real number minus 5 था, because 5 पे ये undefined form आ जाती है, infinity दे देता है. तो इस second function f of z की domain देखें तो अब ये इनफैक्ट अगर हम z को 1 पुट करते हैं तो 1 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है. सो इसकी डोमेन आ गई सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट z इक्वल टू 1, c एक्सेप्ट z इक्वल टू 1, ये इस फंक्शंस की डोमेन आ गई. इसी एग्जांपल में से हम देखें एक और इससे रिलेटेड एग्जांपल स्टडी करते हैं. जैसे बी पार्ट में पहले फंक्शन मैंने लिया आयोटा जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस वन मॉड. अब नोट कीजिएगा इसी टाइप का एक फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय जेड मॉड माइनस से 1. अब इस फंक्शन की डोमेन निकालें तो इनपुट ऐसे तमाम नंबर्स आ सकते हैं जिनके जेड मॉड 1 है. z mod equal to 1 जहाँ जहाँ होगा वहाँ ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा, ये मशीन काम करना छोड़ जाएगी. तो इस केस में डोमेन ऑफ दिस फंक्शन जो होगी ये होगी सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस z सच दैट z mod equal to 1. अब टेक्निकली हम देखते हैं कि ये z mod equal to 1 क्या होता है. z mod equal to 1 अगर हम ड्रॉ करें तो दिस इंप्लाइज mod ऑफ x प्लस iota y इज इक्वल टू 1 एंड दिस इंप्लाइज स्क्वेयर रूट ऑफ x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इक्वल टू 1 एंड दिस इंप्लाइज x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इक्वल टू 1 स्क्वेयर. और फर्दर यहां से हम नोट कर सकते हैं कि x माइनस 0 स्क्वेयर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर. तो ये एक सर्कल की इक्वेशन आती है.
ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0, 0 और रेडियस 1 है. इस सर्कल को यूनिट सर्कल कहा जाता है कॉम्प्लेक्स की टर्मिनोलॉजी में. ये एक यूनिट सर्कल की इक्वेशन है. तो बेसिकली इस फंक्शंस की मैं डोमेन अगर डायग्राम में बताऊं आपको, तो ये लेट अस सपोज यूनिट सर्कल है, ये बाकी हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है. तो इस फंक्शंस की ये डोमेन आउटर सारे पॉइंट्स है, ये इनर सारे पॉइंट्स है, एक्सेप्ट द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, बिकॉज जो सर्कल की बाउंड्री है उस पे जेड मॉड की वैल्यू 1 हो जाती है. तो ये इसकी डोमेन है इस फंक्शन की. तो डोमेन फाइंड करते वक्त अब कॉम्प्लेक्स में और रियल में डिफरेंस नोट करें कि रियल वैल्यूड फंक्शंस की जब मैं डोमेन लिख रहा था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/(x-5), तो रियल लाइन पे जब आप x-5 को 0 लेते हैं तो 1 डायमेंशन में जस्ट x=5 आता है. बट कॉम्प्लेक्स में जब आपने जेड मॉड को 1 लिया तो ये एक सिंगल पॉइंट नहीं जनरेट हुआ, ये एक कंप्लीट सर्कल की बाउंड्री आ गई, क्योंकि इस पूरी बाउंड्री के ऊपर डिस्टेंस 1 यूनिट बनता है ओरिजिन से, मॉड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 बनता है कंप्लीट बाउंड्री के ऊपर. सो इसलिए इस फंक्शंस की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस दिस यूनिट सर्कल है. नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम डील करते हैं जब फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स को हम स्टडी कर रहे होते हैं, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना. इससे पहले हमने सीखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना, कि जेड अगर एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो एक्स इसका रियल पार्ट है और वाई इस नंबर का इमेजिनरी पार्ट है. यहाँ पे हम सीखेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस को क्या हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन इस फॉर्मेट में दिया जाए एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू सम फंक्शन यू विच इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा टाइम अनदर फंक्शन वी विच इज आल्सो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, तो इसमें यू इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रियल पार्ट हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड ऑफ एफ ऑफ जेड, और वी जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड. तो ये इस फंक्शंस के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं. अब हम एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में कैसे रिजॉल्व किया जाता है, उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल स्टार्ट हम एक सिंपल एग्जांपल से लेते हैं. एफ ऑफ जेड से जेड स्क्वायर दिया गया है आपको, तो हम कार्टेशियन फॉर्म में इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करते हैं. तो रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने के लिए आप ऑलवेज एफ ऑफ जेड को लेट किया करोगे यू प्लस आयोटा वी, रियल पार्ट ऑफ एफ प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ, विद अंडरस्टैंडिंग दैट यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई. और जेड को लिखें एक्स प्लस आयोटा वाई स्टैंडर्ड फॉर्म होल स्क्वायर. ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करें तो दिस गिव्स अस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स टू एक्स वाई. तो यहाँ से ये u प्लस आयोटा v कॉम्प्लेक्स नंबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम 2xy के इक्वल आ गया. तो यहाँ से u हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल करें तो v इक्वल है 2xy. नोट करें कि u डिपेंड्स ऑन xy एंड v आल्सो डिपेंड्स ऑन xy. अब इसी टाइप की एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देखते हैं जिसमें एफ ऑफ जेड आपको टू फंक्शंस का कम्बिनेशन दिया गया है. जेड इसमें आइडेंटिटी फंक्शन आ गया और 1/(z) इसमें रेसिप्रोकल आ गया जेड का. अब इस फंक्शंस को रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है. तो इस फंक्शंस के लिए हम दोनों रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म इस फंक्शन की कैसे बनेगी और पोलर फॉर्म कैसे बनेगी, एंड देन रियल और इमेजिनरी पार्ट इसमें सेपरेट कैसे होंगे. एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड प्लस 1/(z). सबसे पहले हम इसकी कार्टेशियन फॉर्म में रिजॉल्व करते हैं. तो स्टार्ट ले लेते हैं एफ ऑफ जेड यू प्लस आयोटा वी, जेड इज एक्स प्लस आयोटा वाई एंड प्लस 1/(z) इज 1/(x) प्लस आयोटा वाई.
अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में नहीं आ रहा, तो इसको हम इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। राइट, नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन आप फाइंड कीजिएगा एंड दिस गिव्स अस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब रियल पार्ट सेपरेट करें तो एक्स प्लस इस सेकंड टर्म से रियल पार्ट जनरेट हो रहा है एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट कंबाइन करें तो आयोटा टाइम्स वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम इक्वेट करें तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाती है x प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड v की वैल्यू y माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इस फंक्शंस के रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गए। अगेन ऑब्जर्व करें कि u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई। राइट, अब सेम फंक्शंस के हम पोलर सिस्टम में फॉर्म देखते हैं कि u इज ए फंक्शन ऑफ पोलर सिस्टम में इसकी फॉर्म क्या बनेगी। इस पे हम बात करते हैं कि पोलर फॉर्म में हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए, जब हमारे पास ऑलरेडी कम्प्लेक्स फंक्शन डिकम्पोज हो चुका है रियल और इमेजिनरी पार्ट में कार्टीजियन फॉर्म में, तो हम क्यों चाहते हैं कि इसकी पोलर फॉर्म भी हमें मिले। इनफैक्ट पोलर फॉर्म की एप्लीकेशंस कैलकुलस के कोर्स में आपने की है। यहाँ हम जस्ट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। इनफैक्ट जब भी हम कोई कर्व देखते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन ही लेते हैं यूनिट सर्कल, इससे पहले हमने स्टडी किया। अच्छा, बेसिक थीम ऑफ मैथमेटिक्स के थ्रू चलें तो इसका बेसिक थीम हमने डिस्कस किया था कि ये होता है टू सॉल्व द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन हो तो आप जानते हैं इसको सॉल्व करना इजी है। सेकंड डिग्री की इक्वेशन आ जाए तो इसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे या आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे या फैक्टराइजेशन करेंगे। बट अगर आपको थर्ड डिग्री की इक्वेशन दे दी जाए और इसको सॉल्व करने का कहा जाए तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि अप टू दिस लेवल आपने कोई जर्नल फार्मूला नहीं पढ़ा जो थर्ड डिग्री इक्वेशंस को सॉल्व करे। और इसी तरह डिग्री इंक्रीज होती जाए तो उसको सॉल्व करने का आपने जर्नल फॉर्मेट कोई नहीं पढ़ा। हम लोग इसमें यूजली यूज़ करते हैं सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस, बट सिंथेटिक डिवीजन के अपने बहुत से ड्रॉबैक्स हैं। जैसे उसमें एक रूट नॉन होगा तो डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, अदरवाइज डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। और उसमें भी ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं इनको रूट्स अगर रेशनल हैं तो देन हमारे पास मेथड मौजूद है रूट फाइंड करने का, सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करने का, अदरवाइज ये फिर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। तो आप नोट करें इक्वेशंस की जितनी डिग्री कम होती जाती है उसको सॉल्व करना उतना ईजी होता जाता है। यही वजह होती है कि हम सम टाइम इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए उनकी डिग्री रिड्यूस करते हैं। क्यूबिक इक्वेशन है, सिंथेटिक डिवीजन से क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसको फिर सॉल्व कर लें। राइट, तो सेम केस में जब इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन की डिग्री अगर रिड्यूस हो जाए किसी सिस्टम में तो इसको सॉल्व करना ईजी है। अब अगर इस इक्वेशन पर मैं पोलर और कार्टीजियन का रिलेशन यूज़ करूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ये रिलेशन यूज़ करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशंस कन्वर्ट हो जाएगी आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू वन में। राइट, और सेम में पॉजिटिव स्क्वायर रूट लूँ और सेम में पॉजिटिव स्क्वायर रूट लूँ तो आर की वैल्यू वन आ जाएगी। अब देखें कि कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस इक्वेशंस की डिग्री टू थी, पोलर सिस्टम में आए तो इसकी डिग्री वन होगी। तो नॉर्मली जब भी हम कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर में मूव करते हैं या पोलर से कार्टीजियन में मूव करते हैं तो पर्पस ये होता है कि किसी तरह इक्वेशन सिंपल फॉर्म में आ जाए ताकि उसको डिग्री
ताकि इक्वेशन सिंपल फॉर्म में आ जाए और उसको सॉल्व करना इजी हो. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन. कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड एज e to the power z is equal to e power x means real part of z cos of y plus iota e power x into sin of y. अब इस फंक्शंस को अप्लाई कैसे करना है. बेसिकली ये फंक्शंस हम कह सकते हैं कि इस फॉर्मेट में डिफाइंड है f of z is equal to e power z and then e power z की फर्दर डेफिनेशन है e power x cos y प्लस आयोटा ई पावर एक्स साइन वाई. एग्जाम्पल इससे रिलेटेड फाइंड द वैल्यू ऑफ ई पावर जेड एट जेड इक्वल टू थ्री प्लस पाई आयोटा. तो हमने ई पावर थ्री प्लस पाई आयोटा फाइंड करना है. जेड को इनपुट दिया तो बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू ई पावर रियल पार्ट ऑफ जेड इंटू कॉज ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड प्लस आयोटा टाइम्स e power real part of z into sine of imaginary part of z. This is equal to e cube cos pi is equal to minus 1 and e cube sine pi is equal to 0. So this is equal to minus e cube. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमारे पास इमेज आ गया बिकॉज एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो यहाँ पे आपने इस एग्जांपल में देखा कि अगर हम किसी इनपुट के पॉइंट पे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो कैसे फाइंड की जाएगी. अच्छा, अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हम यूज करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज जनरेट होंगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की. सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्योंकि यूज में काफ़ी स्मूथ फंक्शन है. जब हम रियल में देखते हैं f of x equal to e power x. इससे रिलेटेड जो टेक्निकल बातें हम कुछ अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे वो है इस फंक्शंस की कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन. ये फंक्शन एक स्मूथ फंक्शन होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूस, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, एवरीवेयर इंटीग्रेबल. सो इसी टाइप का फंक्शन हम एक कॉम्प्लेक्स में स्टडी कर रहे हैं ई पावर जेड. अब रियल में ये होता है कि ई पावर एक्स पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता, ये अपनी वैल्यूज रिपीट नहीं करता. जिस तरह साइन एक्स, कॉज एक्स ये रियल में पीरियोडिक होते हैं, तो सेम केस में हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर जेड नेचर में पीरियोडिक है या नहीं है. अब पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी पीरियोडिक ऑफ पीरियड लेमडा वेयर लेमडा इज नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स इफ एफ ऑफ जेड प्लस लेमडा इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड. नेक्स्ट एग्जांपल में हम शो करेंगे कि ई पावर जेड पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड टू पाई आयोटा के इक्वल है. तो फॉर दिस वी हैव टू प्रूव एफ ऑफ जेड प्लस पीरियड, इनफैक्ट यहाँ पे लेमडा हमने प्रूव करना है टू पाई आयोटा. तो f ऑफ z प्लस लेमडा मीन्स f ऑफ z प्लस टू पाई आयोटा. और ये इनफैक्ट अगर हम प्रूव कर दें कि दिस इज इक्वल टू f ऑफ z तो बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियाडिक फंक्शन f ऑफ z पीरियाडिक हो जाएगा. तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं इस फंक्शन की f ऑफ z प्लस टू पाई आयोटा. By definition of exponential function, f of z plus 2 pi iota means e power z plus 2 pi iota. This is equal to e power z into e power iota 2 pi. Reason is that exponential functions की ये एक property होती है कि e power z 1 into e power z 2 is equal होता है e power z 1 plus z2. इसका प्रूफ एज एक्सरसाइज हम कर लेते हैं. आपने z1 को x1 प्लस आयोटा y1 लेना है, z2 को x2 प्लस आयोटा y2 लेना है और प्रूफ करना है इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आती है.
by definition of exponential function. Okay, this is equal to e power z into, again ये number 0 plus 2 pi times iota के equal है. तो complex exponential function की definition apply करें, e power real part cos of imaginary part plus e power real part sin of imaginary part. This is equal to e power z into cos 2 pi is 1 sin 2 pi is 0. So this is equal to e power z means f of z. तो यहां से हमने देखा कि complex exponential function जो है वो periodic है in nature, but real function periodic नहीं है, real exponential function periodic नहीं है. तो ये भी एक डिफरेंस क्रिएट हो गया रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन पीरियडिक बट रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नॉन पीरियडिक. इनफैक्ट इसका पीरियड भी आप नोट करें तो इसका पीरियड 2 पाई आयोटा है जिसका रियल पार्ट 0 है. और ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका रियल पार्ट 0 हो उनको हमने प्योर इमेजिनरी डिक्लेयर किया था. तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का पीरियड जो है वो एक प्योर इमेजिनरी नंबर आता है हमारे पास. नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस तो डिफाइन कर लिया, अब हम चेक करने जा रहे हैं कि आया हम हर कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लिंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए. इनफैक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास ये फॉर्मेट होता है इसका, जेड इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. ये पोलर फॉर्म आ गई कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, पोलर फॉर्म. अब पोलर फॉर्म में अगर हम नोट करें कि z को अगर हम इस फॉर्मेट में लिख लें r e पार आयोटा थीटा, तो यहां पे हम रियल पार्ट इसका 0 ले रहे हैं. एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करें, e पार 0 cos ऑफ इमेजिनरी पार्ट प्लस e पार 0 sin ऑफ इमेजिनरी पार्ट. तो दिस इज इक्वल टू r cos theta plus iota sin theta, right? तो आप देख लें ये फॉर्म इस फॉर्म से मैच कर गई है. तो मींस ये वाली फॉर्म जो है दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड हमने देखा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं. सो फार हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं अगर उसको हम पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करके एक्सपोनेंशियल फंक्शन से कंपेयर करें. तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो टू डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस आ गई हैं, एक ये है और इसको सिंपली आप आर ई पार आयोटा थीटा फॉर्म में लिख देते हैं. एंड फर्दर ई पार आयोटा थीटा को हमने एक्सपेंड किया यहाँ से, तो e पार आयोटा थीटा की ये रिप्रेजेंटेशन आई विच गिव्स अस cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा. दिस इज आल्सो नोन एज ऑयलर्स फार्मूला. नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, बिकॉज इससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था और उसके एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी कि सम टाइम हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करते हैं तो पर्पस ये होता है कि प्रॉब्लम को सिंपल फॉर्म में, वहाँ हो सकता है दूसरे सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए और उसको सॉल्व करना ईजी हो. तो सेम आइडिया हम शिफ्ट करते हैं कि क्या हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को पोलर फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हैं. अगर शिफ्ट कर सकते हैं
तो उसके एप्लीकेशंस क्या होंगी ये हम होपफुली कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे, जब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को पोलर फॉर्म में शिफ्ट करके उनके इमेजेस फाइंड करेंगे। तो पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन सेम एज इन कार्टेशियन फॉर्म, हमने देखा था कि एफ ऑफ जेड इक्वल होता है यू प्लस आयोटा वी विद यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा टाइम्स वी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो पोलर फॉर्म में सेम रिप्रेजेंटेशन बट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बजाय हम पोलर फॉर्म यूज़ किया करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा में इसको एक्सप्रेस किया करेंगे। वहाँ पे हमने स्टडी किया था एक फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस वन ओवर जेड, सेम फंक्शंस को अब हम पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करके उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट देखते हैं कि किसके इक्वल आते हैं। तो एफ ऑफ जेड अगर हम लें जेड प्लस वन ओवर जेड, सेम फंक्शन जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा, अब पोलर फॉर्म में यू प्लस आयोटा वी एफ ऑफ जेड हो गया विद अंडरस्टैंडिंग दैट यू इज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड वी इज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा। तो पोलर फॉर्म में जेड को पुट करें, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मीन्स आर ई पार आयोटा थीटा एंड वन ओवर जेड इज वन ओवर आर ई पार आयोटा थीटा। सिंप्लीफाई करें इसको तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस वन ओवर आर ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा एंड दिस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस वन ओवर आर। अगेन आयलर फार्मूला यूज करें तो दिस गिव्स अस कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड दिस गिव्स अस आर कॉस थीटा प्लस वन ओवर आर कॉस थीटा रियल पार्ट प्लस आयोटा टाइम्स आर साइन थीटा माइनस वन ओवर आर साइन थीटा। तो यहाँ सिंप्लीफाई करते वक्त हमने कॉस थीटा की इवन प्रॉपर्टी यूज़ की है और साइन थीटा ऑड फंक्शन है तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो एफ ऑफ जेड एक्सप्रेस किया था यू प्लस आयोटा वी, तो यू इक्वल आ गया आर इन आर कॉस थीटा प्लस वन ओवर आर कॉस थीटा एंड वी इज इक्वल टू आर साइन थीटा माइनस वन ओवर आर साइन थीटा। नोट दैट यू इज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड वी इज आल्सो फंक्शन ऑफ आर थीटा। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस को हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में शिफ्ट किया एंड देन पोलर कोऑर्डिनेट्स में शिफ्ट करके उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर लिए। तो इस तरह हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके भी सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं यू और वी की फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट हम फंक्शंस की, अभी तक जो हमने क्लासिफिकेशंस की वो रियल टू रियल जो फंक्शंस डिफाइंड होते हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स जो डिफाइंड होते हैं वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस हो गए। अब इनफैक्ट हम कुछ इस टाइप के फंक्शंस पे बात करने जा रहे हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइंड हो और ऐसे फंक्शन जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू रियल नंबर्स डिफाइंड हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देख रहे हैं ये वाला फंक्शन जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बिकॉज इमेजेस सेट ऑफ रियल में से आ रहे हैं, दैट्स वाई हम इसको रियल वैल्यूड फंक्शन और इनपुट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसको रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कह रहे हैं। तो इस फंक्शन में आउटपुट वाई से रिप्रेजेंट की, इनपुट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो और इनपुट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हमने जेड से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसे फंक्शंस की कोई एग्जांपल भी हमें मिलती है या नहीं।
जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर्स पे डिफाइंड हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करें एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड. इनपुट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आउटपुट इज ए रियल नंबर. सो दिस फंक्शन इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन. अगेन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू रियल ऑफ जेड. इनपुट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आउटपुट इज इट्स रियल पार्ट विच इज ए रियल नंबर. तो इस टाइप के फंक्शंस भी इम्पॉर्टेंट हैं, इनको हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे कमिंग लेक्चर्स में. नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस ऑफ ए रियल वेरिएबल. कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल मीन्स रियल टू कॉम्प्लेक्स फंक्शन. सो दीज फंक्शंस आर डिनोटेड बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, और इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करें तो एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी प्लस आयोटा वाई इज ए फंक्शन ऑफ टी. इस पे एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वेयर प्लस आयोटा टाइम्स ए टी माइनस वन. दिस टर्म इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा, दिस टर्म इज इक्वल टू वाई ऑफ टी. So f of z can be expressed as x of t plus iota y of t, complex valued function of a real variable. तो ये चारों टाइप जो हमने डिस्कस किए, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल, इनकी एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे जब हम मैपिंग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, या इनकी एप्लीकेशन हम देखते हैं इंटीग्रल्स, या इनकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे जब हम डिफरेंट टाइप्स के इंटीग्रल सॉल्व करेंगे. ओके, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर्स वी जस्ट डिस्कस सम बेसिक ग्राफ्स इन कॉम्प्लेक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि हमारे पास रियल ऑफ जेड ग्रेटर देन जीरो, तो इसका इमेज राइट हाफ प्लेन बनता है, राइट. सेम केस में कॉम्प्लेक्स में हम जब ग्राफिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल ये, तो इसकी से डोमेन हम ए टू बी स्टडी कर रहे हैं, रेंज वाई एक्सिस पे वेरी करेगी इसकी से यहाँ से यहाँ तक, तो हम इमेजेस को स्टडी करते हैं. अब हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस के जो ग्राफ्स होते हैं क्या वो हम स्केच कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिकॉज रियल वैल्यूड फंक्शन जो होते हैं उनकी इजी रिप्रेजेंटेशंस होती है अगर हम उनके ग्राफ स्केच करना शुरू कर दें. तो क्या ऐसा काम हम कॉम्प्लेक्स में भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और ग्राफ्स की इम्पॉर्टेंस क्या होती है मैथमेटिक्स में, कि ग्राफ जब हम ड्रा करते हैं तो वो फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़, ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ हम ग्राफ से देख सकते हैं. ग्राफ्स ऑलवेज समराइज द डेटा. फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मैंने स्केच किया. आप पहले तो नोट करें कि ये ग्राफ कंटीन्यूअस है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, इसकी डोमेन ए टू बी है, रेंज से कह लें सी टू डी है, राइट. डोमेन रेंज कहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है, इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस क्या हैं, मैक्सिमा मिनिमा कहाँ हैं, मैक्सिमा मिनिमा कहाँ हैं, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप थ्रू ग्राफ इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. तो ग्राफ्स इंपॉर्टेंट्स होते हैं मैथमेटिक्स में, स्पेशली इन रियल एनालिसिस और इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर भी सेम टाइप की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टडी कर सकते हैं जो रियल में है या नहीं है. बिकॉज इस लेक्चर में हमने देखा कि एज इट इज़ जैसे रियल में फंक्शंस डिफाइंड होते थे, वैसे ही हमने कॉम्प्लेक्स में फंक्शंस डिफाइन किए. जिस तरह रियल में हम फंक्शन में प्री इमेज इमेज डिफाइन करते हैं
और प्री इमेज गिवन हो तो इमेज फाइंड करते हैं। सेम केस में कॉम्प्लेक्स में भी प्री इमेज गिवन है, हम इमेज फाइंड कर रहे हैं। डोमेन रेंज का आइडिया वहाँ पे था, डोमेन रेंज का आइडिया यहाँ पे भी है। अब अगला टारगेट हमारा ये है कि ग्राफ्स का आइडिया रियल में है क्या, ग्राफ का आइडिया कॉम्प्लेक्स में भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इस पे हम बात इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम क्विकली कंपैरिजंस करते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस का और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस का। फर्स्ट थिंग इज रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ ए रियल वेरिएबल एंड रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ टू रियल वेरिएबल्स आर स्पेशल केसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल ने तो वो कॉम्प्लेक्स का स्पेशल केस है बिकॉज एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम केस में अगर रियल वैल्यूड फंक्शन हम टू वेरिएबल का स्टडी करते हैं, जैसे हमने एरिया ऑफ ए रिक्टेंगल आर स्क्वायर फाइंड करने का फार्मूला देखा था, तो ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई है। तो रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल भी जो होते हैं ये स्पेशल केस बनते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड। सो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन मोर जर्नलाइज्ड फॉर्म है रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल और रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल से। सेकंड थिंग यहाँ पे हमने जो डिफरेंस नोट किया था वो ये था कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन पीरियाडिक होता है बट रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो नेचर में पीरियाडिक नहीं है। तो यहाँ तक तो हमने बेसिक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन ली। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ्स का टॉपिक, कॉम्प्लेक्स में ग्राफ्स या मैपिंग्स कैसे स्टडी की जाती हैं और देन उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं डेली लाइफ में। थैंक यू।